अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी सर, मेरा सवाल ये है कि मेहर ज़कात के जेवर हमारे पास थी, ज़कात हम हर साल देते थे। 6 महीने के बाद क्या हुआ, बेटी की शादी हो गई, वो जेवर बेटी को तोहफे के तौर पर देके भेज दिया। अब वो ज़कात का मसला कैसा होगा कि अब 6 महीने हमारे पास थी तो अब शोहर के घर में है जेवर, तो उसका ज़कात कौन अदा करेगा और किस वक्त से अदा करना चाहिए? शेख अरशद, थोड़ा सा सवाल रिपीट कर दें, आवाज़। हाँ, मैं सिस्टर को पहले म्यूट कर देता हूँ। सिस्टर ने कहा कि शेख उनकी बेटी के लिए उन्होंने जेवरात खरीदे थे शादी से कबल, 6 महीना वो जेवरात उनके पास थे, शादी हुई, वो अपने माई ससुराल चली गई, 6 महीना शोहर के पास रहे, तो साल उस पर गुजर गया, तो अब ज़कात कैसे निकालेंगे और काउंट कैसे करेंगे, कौन ज़कात निकालेगा और उसको काउंट कैसे करेंगे, कहाँ से काउंट करेंगे? जी बिल्कुल, अगर किसी माँ बाप ने अपनी बच्ची के लिए सोने या चांदी का जेवर खरीदा, तो जब वो ये कह रहा है या कह रही है कि मैंने इसे अपनी बच्ची के लिए खरीदा है, यानी बच्ची को मैं हदिया दे रही हूँ, बच्ची को तोहफा दे रही हूँ, तो जब बच्ची को आपने हदिया कर दिया तो वो जेवर चाहे आपके लॉकर में रखा रहे या बच्ची के लॉकर में रखा रहे या बच्ची उसको पहने रहे, वो बच्ची की मिल्कियत है, क्योंकि हदिया का मतलब यही होता है कि आपने जिसको दिया उसकी मिल्कियत हो गई, अब आप उसमें अपनी जानिब से कोई तसर्रुफ भी नहीं कर सकते अपनी मर्जी के मुताबिक, बल्कि जब आपने बच्ची को दे दिया अब उसमें कुछ भी करने के लिए बच्ची से इजाजत लेना जरूरी है, तो वो जेवर बच्ची का है, वो आपका नहीं है। जिस दिन आपने वो जेवर बच्ची को दिया, अगर वो जेवर की मिकदार इतनी है कि निसाब को पहुंच रहा है, 85 ग्राम सोना या 595 ग्राम चांदी, तो ये निसाब है, जिस दिन आपने दिया और वो निसाब को अगर पहुंच रहा है तो वो पहला दिन होगा उसका, वो जो है साल का पहला दिन होगा। अब उसके बाद वो बच्ची चाहे आपके घर में बाकी रहे या शादी करके अपने ससुराल चली जाए, वो जो पहला दिन है वहीं से काउंट होगा, वो ससुराल जाने से साल मुनक़ते नहीं हो जाएगा, पहले भी उस बच्ची का था वो जेवर, ससुराल चली गई अब भी उसी बच्ची का है वो जेवर, तो वो जहां जिस दिन आपने उसको गिफ्ट किया था उस दिन से लेकर के अगला साल जब आएगा तो उस जेवर में ज़कात निकालना वाजिब है। सवाल ये है कि किस पर वाजिब है, जवाब ये है कि उस बच्ची पर वाजिब है, उस बच्ची के ऊपर वाजिब है ज़कात निकालना, ना तो उसके माँ बाप के ऊपर वाजिब है ना तो उसके शौहर के ऊपर वाजिब है, क्योंकि ज़कात का किसी भी माल की ज़कात उस माल का मालिक निकालेगा, उसके ऊपर वाजिब है। सिर्फ एक सूरत ऐसी है कि मालिक के लिए निकालना वाजिब नहीं होता है, वो सूरत यह है कि जैसे आपकी कोई छोटी बच्ची है, आपने उसको गिफ्ट कर दिया कोई जेवर, अब वो बच्ची छोटी है अभी गैर मुकल्लफ है, तो उसके माल में तो ज़कात वाजिब है लेकिन निकालने की जिम्मेदारी आपकी है, आप निकालेंगे उसी के माल से निकालेंगे लेकिन निकालना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर वो बच्ची बड़ी है तो उसके माल में ज़कात निकालना उसी के ऊपर वाजिब है, वो अपने माल से निकालेगी, अगर माँ बाप मेहरबानी करके निकाल दें तो ये अलग मसला है, वो निकाल सकते हैं, अगर शौहर एहसान करके निकाल दे तो अलग मसला है, वो निकाल सकता है, वरना वाजिब उसी बच्ची के ऊपर है और वो अपने माल से ही निकालेगी।